पहाड़ों पर हो रही बरसात से पथराला नदी उफान पर है। पहाड़ों पर हुई बरसात से पथराला नदी में आई बाढ़ ने क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव की फसलों को जलमग्न कर दिया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल बरसात के सीजन में बाढ़ के पानी से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। कहने को तो पटवारी खराब फसलों की गिरदावरी भी करवा ले जाते हैं, पर मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जाता है। 500-700 से ज्यादा मुआवजा आज तक किसी भी किसान को नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि प्रशासन हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर बाढ़ बचाव राहत कार्य करवाता है, पर आज तक ये समझ नहीं आया कि ये कार्य आखिर कहां पर किए जाते हैं, क्योंकि कभी आज तक किसानों की फसलें खराब होने से नहीं बची हैं। बाढ़ का पानी हर साल मेहनत बर्बाद कर जाता है और लाचार किसान सिर्फ देखता रह जाता है। फ्लड का एरिया है सारा। अच्छा जी। इसमें अपना फसलें उगा भी रहे हम, बाकी पानी आपके सामने है, देखो हर साल ये फसलें खराब हो जाती है। ताकत बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत बढ़ गई किसान की, क्योंकि इसका कोई सही ढंग से अगर सरकार इसका कोई पानी का हल करा तो अपना जिम्मेदार हमारे बच सका इस पानी से। पानी से बहुत बर्बादी है। ये पानी कौन सी नदी का है, कहाँ से आता है जी पानी? ये पानी ये पहाड़ों का पानी है। अच्छा, तो इसका कोई इंतजाम नहीं है प्रशासन की सरकार की तरफ? मतलब काफी सालों से यह रहा, इसका कोई पानी खेतों में यह रहा। तो ये समाधान कैसे हो सकता है, क्या किया जाए इसके बारे में? सरकार अगर चाहे कुछ ना कुछ इसका प्रपोजल बनाएगा, कोई नदी नदी के अंदर घेर सकती है जिसको पानी को, चाहे सजाद वाले के पास नदी है जो उसके अंदर ही इसकी खुदाई खुदाई करके नदी में घेर दे इस पानी को। अच्छा, कौन कौन से गांव है वो जिनका जिसमें नुकसान होता है जी? काफी गाँव है, मुजाफत हो गया जी, बनगेड़ा, मुजाफत, लासाबाद, तो आप लोग क्या चाहते हो? बस है तो ये प्राकृतिक आपदा, बाकी अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, हमारा भी समाधान हो जाएगा इस पानी से हमारा। हाँ जी, आज साल बहुत पानी आवा जी और सारी फसल खराब हो जाए जी, बस बरान हो रहे जी, ना कोई मुआवजा मिला ना कोई जी, लेना नहीं देना नहीं। आज साल का काम हो रहा, सारे पौधा पौधा अग्गा पाट ले जा, सारे डोड़ा डाड़ा पाट दी, देखो खेत अपना काम तो खाली खाली, बस फिर भी दूसरा तीसरा पानी आ गया जी, देखो जी हाल हो रहा है। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि आखिर कब तक हम इसी तरह फसलें बर्बाद करवाते रहेंगे। किसानों ने मांग की है कि पथराला नदी से बाहर निकलकर बाढ़ का पानी जो तबाही मचाता है वो प्रशासन को ठीक करवाना चाहिए। प्रशासन द्वारा नदी के किनारे ऊंची पटरी बनवानी चाहिए ताकि बाढ़ का पानी बाहर ना निकले और हजारों एकड़ फसल जलमग्न और बर्बाद ना हो। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।